तो साथियों, अगर आप अपना पैन नंबर अपने IDBI बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करना चाहते हो या लिंक करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से अपने IDBI बैंक अकाउंट में अपना पैन कार्ड रजिस्टर कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बैंक के रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने IDBI बैंक अकाउंट में अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हो, अपना पैन कार्ड लिंक करना चाहते हो अपने IDBI बैंक अकाउंट के साथ, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कौन कौन से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे इस फॉर्म को पर्टिकुलर वे में फिल करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है। और अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे ऊपर की ओर आता है क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर फिल करनी है। यहां पर आता है IDBI बैंक LTD, मतलब ये कि भाई आपको यहां पर ब्रांच का नेम प्रॉपर में फिल कर देना है, आपके पासबुक में दिया गया होगा। ब्रांच कोड, ब्रांच सोल का मतलब होता है ब्रांच कोड। अगर आपको ब्रांच कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, अगर पता है ब्रांच कोड अपनी ब्रांच का तो आप यहाँ पे वो कोड लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी ऑप्शन खाली छोड़ सकते हो। आगे आता है क्या, डेट ऑफ रिक्वेस्ट। आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करोगे। नीचे आता है कस्टमर नेम, भाई आपको आपका नाम लिखना है, किस नाम से आपका खाता खुला हुआ है, वही नाम आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में फिल कर देना है। नीचे आता है कस्टमर आईडी, अगर बैंक ने आपको कस्टमर आईडी दी हुई है तो फ्रेंड आप यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखिए, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अकाउंट नंबर आपके पासबुक में दिया गया होगा, प्रॉपर वे में अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अकाउंट नंबर के बिना आपका कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं होगी या आपका फॉर्म पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना कंपलसरी है, और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको एक दो बार अच्छे से चेक भी कर लेना है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्या है हमारी, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हम फिल कर चुके हैं, अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। तो भाई प्रॉब्लम हमारी, चलिए यहाँ पे दूसरे वाले पेज पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, आठवें ऑप्शन में चौथा नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, प्लीज़ अपडेट माय परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर क्या करना है, लिख देना है भाई, जो भी आपका पैन नंबर है। जैसे कि हर किसी का पैन कार्ड में अलग अलग उनका नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, प्रॉपर वे में लिख दीजिए फ्रेंड। उसके बाद अगर आप कोई और सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हो तो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप केवल पैन कार्ड ही यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो तो केवल पैन नंबर लिखिए, उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। फ्रेंड, यहाँ पर दी गई है डेट, आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पर दिया गया प्लेस, यानी कि आपका एड्रेस आपको यहाँ पर प्रॉपर फिल कर देना है। कस्टमर सिग्नेचर आपको प्रॉपर वे में फ्रेंड क्या करना है, यहाँ पे आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए हों। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी सिग्नेचर कर दो फिर बाद में कहो सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगे हुए हों। तो प्रॉपर वे में फ्रेंड आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी ले लेनी है, एक आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेनी है, एक आपको पासबुक की फोटोकॉपी ले लेनी है। चारों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है। देखिए अब यहाँ पे आप चाहो तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लेकर जाइएगा साथ में फोटोकॉपी। हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती है उसमें आधार कार्ड को मांगा जाता है, इसलिए आपको आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है पहली बात तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको आपका पैन कार्ड लेकर जरूर जाना है, क्योंकि पैन कार्ड की फोटोकॉपी के बिना आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है, और यहाँ पे प्रॉपर वे में आपका जो पैन कार्ड है वो आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।